नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6H इज इफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स के प्लस वन की होल पावर पी है, प्रूव दैट एक्स के प्लस वन इन वाई टू, वाई टू का मतलब क्या है, टू टाइम्स डिफ्रेंसिएशन डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स केयर प्लस एक्स वाई वन, तो वाई वन का मतलब होता है वन टाइम डिफ्रेंसिएशन मीन्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस पी स्केयर वाई इज इक्वल टू जीरो. नाउ हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स के प्लस वन की होल पावर कितनी है, पी. तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स. जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी डी बाई डी एक्स, और किसी की ब्रैकेट की होल पावर है तो हम होल पावर नीचे लेके आएंगे, p नीचे आ गया, x प्लस रूट एक्स के प्लस वन की होल पावर हमारे पास आएगी p माइनस वन इंटू ब्रैकेट की डिफ्रेंशिएशन. x की कितनी आई हमारे पास वन प्लस, अब इसकी करेंगे वन बाई टू नीचे एक्स के प्लस वन की पा माइनस वन बाई टू इंटू ब्रैकेट की डिफ्रेंशिएशन टू एक्स, टू से ये टू कैंसिल हो गया. अभी आ गया p एक्स प्लस रूट एक्स के प्लस वन की होल पावर है पी माइनस वन, और यहाँ पे जो है इसका वन प्लस ये क्या बचा x, और ये नीचे जाएगा तो रूट बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन. नाउ अब हम इसका डिफरेंट यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये हमारे पास है p एक्स प्लस रूट एक्स के प्लस वन की पावर आ गई p माइनस वन इंटू, जब इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा रूट एक्स के प्लस वन, और ये ऊपर चला गया रूट एक्स के प्लस वन प्लस एक्स. तो यहाँ से देखिए ये दोनों सेम है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई और पावर्स क्या होंगी ऐड. तो डी वाई बाई डी एक्स जो है हमारे पास क्या बनेगा, पी वैसे रहेगा एक्स प्लस रूट एक्स के प्लस वन इसकी होल पावर पी माइनस वन प्लस वन, क्योंकि बेस सेम है मल्टीप्लाई पावर्स ऐड हो जाएंगी, और नीचे जो बचा हमारे पास रूट एक्स के प्लस वन. अब हम इसको इधर ले जाएंगे और ये हमारे पास क्या बन गया, इसकी होल पावर p. तो देखो ये जो होल पावर p किसके इक्वल y, मतलब ये हमारे पास बना पी वाई, तो ये दैट इज इक्वल टू पी वाई अपॉन रूट एक्स के प्लस वन. अब हमारे पास ये रूट एक्स के प्लस वन हम इधर ले जाएंगे और उसके बाद ये किसके इक्वल आएगा p वाई. अब रूट है लेकिन हमें आंसर में इस रूट नहीं चाहिए, तो फिर हमें स्केयरिंग भी करनी पड़ेगी. ये देखिए बेटे हमारे पास आ गया रूट को इधर ले आए, लेकिन अब आंसर में हमारे पास रूट नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्केयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को हम स्केयरिंग करेंगे. इधर इसका स्केयर किया तो ये रूट कैंसिल हो गया, एक्स के प्लस वन बच गया, और इधर आ गया डी बाई डी एक्स का होल स्केयर. इसको हम डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर नहीं लिखेंगे, वो टू सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन होती है, और ये इधर पी स्केयर वाई स्केयर. नाउ अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन दोबारा से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. जब दोबारा करेंगे तो यू इंटू वी लगेगा, यू डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी. अब ध्यान से समझना, इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है पावर नीचे, डी बाय डी एक्स की होल पावर कितनी रही वन इंटू इसकी डिफ्रेंशिएशन ब्रैकेट की डी बाय डी एक्स की डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस वी डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू, मतलब एक्स के प्लस वन की डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्केयर की कितनी आएगी टू एक्स इज इक्वल टू पी स्केयर कॉन्स्टेंट वैसे रहेगा, वाई स्केयर की टू वाई होगा, लेकिन वाई को हम एक्स से कर रहे हैं तो डी बाय डी एक्स भी साथ में आएगा. तो देखो ये हमारे पास बना टू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर टू पी स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स. हम यहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं, इधर से जो चीज़ हमारे पास कॉमन निकलेगी हम उसको निकाल के कैंसिल कर देंगे. अब देखिए हमारे पास क्या निकलता है, यहाँ से एक तो टू भी निकल रहा है और एक डी वाई बाई डी एक्स भी निकल रहा है, टू डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास कॉमन निकल गया. तो अब अंदर क्या बचा, ये दोनों निकल गए, तो एक्स के प्लस वन इंटू डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स के प्लस टू भी बाहर निकल गया तो एक्स रह गया और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू पी स्केयर वाई डी वाई बाई डी एक्स. अब टू से टू कैंसिल हो गया, डी वाई बाई डी एक्स से डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा एक्स के प्लस वन डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स के प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी स्केयर वाई, और हमें जैसा आंसर चाहिए वैसा बनाना है, इसको इधर जाके माइनस कर दो, एक्स के प्लस वन डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस पी स्केयर वाई इज इक्वल टू जीरो. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें प्रूव करना है, इफ एक्स इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा और वाई इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा देन वी हैव टू फाइंड दैट डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर. यहाँ से शुरू करते हैं, x हमारे पास है a थीटा माइनस साइन थीटा और मैं इधर y लिख लेती हूँ, y इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा. नाउ
देखो जिसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा में है तो हम किससे डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा से। ऐसे इधर भी सेम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखिए डी एक्स अपॉन डी थीटा किसके कुल आया, ए कॉन्स्टेंट है वैसे रहेगा, थीटा की होगी वन माइनस साइन थीटा की क्या आ गया भी कॉस थीटा। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बना, टू साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू, माइनस में साइन होता है प्लस में कॉस होता है और एंगल का हाफ हो जाता है। ऐसे इधर जब इसके डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी बाई डी थीटा ए और वन की तो जीरो हो गई और कॉस थीटा की हुई माइनस साइन थीटा। यहाँ पर हम इसका जो है साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस ए वैसे और इसका टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू। यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लगाया वो फॉर्मूला लगाया साइन टू थीटा का फॉर्मूला, टू साइन थीटा कॉस थीटा। नाउ अब मुझे डी बाय बाय डी एक्स निकालना है, मीन्स वाई वाला ऊपर रखना है और एक्स वाला नीचे, तो ये आएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा नीचे आ जाएगा। तो देखिए ये है माइनस टू ए साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू अपॉन नीचे कितना आ रहा है टू ए साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू, टू ए से टू ए कैंसिल हो गया, एक साइन थीटा ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या माइनस कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, कॉट थीटा बाय टू। अब हमें इसकी द्वारा से डिफ्रेंशिएशन करनी है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा अगेन, देखो लेकिन थीटा से नहीं करेंगे क्यों, क्योंकि हमें डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर चाहिए। देखो यहाँ ये निकालना ना एक्स से करना है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की तो हो गई डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। अब इसकी माइनस तो बाहर रहेगा, कॉट का होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वेयर, माइनस कोसेकेंड स्क्वेयर एंगल कितना थीटा बाय टू इन टू, अब इसकी थीटा बाय टू की भी करेंगे वन बाय टू आ गया, इन टू थीटा की भी किससे करनी है एक्स से, मीन्स डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गए और ये हो गया हमारे पास कोसिकेंड स्क्वेयर थीटा बाय टू अपॉन टू, और ये देखो यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी एक्स है, डी थीटा अपॉन डी एक्स हमारे पास इसका उल्टा होगा, मीन्स वन अपॉन टू ए साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू। अब ये टू टू जो फोर बन गया, वन अपॉन फोर ए और साइन ऊपर जाके क्या होगा कोसिकेंड, तो ये हमारे पास जो बना है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वन अपॉन फोर ए, देखो टू टू जो फोर और ए और साइन स्क्वेयर ऊपर जाके कोसिकेंड स्क्वेयर बन जाएगा, कोसिकेंड स्क्वेयर एक पहले है हमारे पास और ये भी ऊपर जाके बन गया, तो कोसिकेंड स्क्वेयर थीटा बाय टू, मीन्स ये बना वन अपॉन फोर ए कोसिकेंड फोर थीटा बाय टू, ये इसका आंसर है। थैंक यू।